हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचर्स क्लासेस। हेलो एवरीवन। सो एज यू नो वी आर डूइंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हम प्रॉब्लम सेट में थे। मोस्टली प्रॉब्लम सेट के सभी क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन जो रह गया, जो मैंने कल कहा था कि हम वो लास्ट में लेंगे, दैट इज 21 क्वेश्चन। सो आज ये एक ही क्वेश्चन का वीडियो आएगा। पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड हियर, यू हैव टू फाइंड द पॉसिबल पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। तो आपको तीन वर्टाइसेस दिए हुए, आपको सिर्फ फोर्थ वर्टेक्स ढूंढना है, दैट इज डी। और पॉसिबल कितना आ सकता है ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ थ्री ऑफ इट्स वर्टाइसेस आर ए 5 and 6, बी 1 and -2 एंड सी 3 and -2। सो एज यू नो उन्होंने क्या कहा है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो ए बी सी लिख लिया, तो हम कितने वर्टाइसेस बना सकते हैं इसमें, आप देख लीजिए। अगर हम यहाँ एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, ये यहाँ एक्सटेंड हो गया, सो ये इट इज डी डी वन, ये डी टू हो जाएगा और ये डी थ्री हो जाएगा, ठीक है। सी को अपर ए जो कोऑर्डिनेट है वो आपको 5 and 6 दिया गया है, बी का जो कोऑर्डिनेट है 1 and -2 दिया गया है, एंड सी कोऑर्डिनेट इज 3 and -2। सो लेट इसको हम बोलेंगे ये x1 y1 हो, दिस विल बी x2 and y2 एंड दिस विल बी x3 and y3। अब हमें इस तरह बनाना है कि ये बी डी थ्री जो है और ए सी एंड बी डी वन ये एक दूसरे को इक्वल है। फाइन, दिस इज इक्वल टू दिस, जैसे कि जानते हो आप अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस। सो ये डी सी सी डी टू एंड सी डी वन एक दूसरे को इक्वल है एंड दिस इज इक्वल, ठीक है। सो राइट हाउ, ए इज गिवन 5 and 6, बी इज गिवन 1 and -2 एंड सी इज 3 and -2, इट इज गिवन टू यू ऑल। फाइन, पे अटेंशन, ईजी है सम बट लेंथी है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सो अभी कितने पॉसिबिलिटीज हमने दिखाए, 1 2 3, तो 3 पॉसिबिलिटीज है। देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ द लोकेशन ऑफ द वर्टेक्स डी। तो हम बोलेंगे डी वन हो गया x1 and y1, डी टू इज x2 and y2। सी इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, सो वी हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग इन द आंसर। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो आपको लिखने की इसको जरूरत नहीं है। एंड डी थ्री इज x3 and y3। क्वाड्रिलैटरल ए बी डी वन एंड सी इज अ पैरेललोग्राम। आप सी और डी वन लिख सकते हो, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम है दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड डी ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्लियर। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी। व्हाई इट इज इक्वल टू सी डी, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्लियर, गिव इट 1, ठीक है। ऑल्सो अभी यहाँ भी एक पैरेललोग्राम बनता है ना, ए बी डी वन एंड डी सी, सॉरी हम डी वन ले चुके हैं, ए बी सी एंड डी टू, पहले हमने ये लिया ए बी डी वन, मैंने क्लियर आपको बराबर लिखा था, ए बी डी वन सी लिया था पहले, तो यहाँ हमने बता दिया ए बी इज इक्वल टू सी डी वन, ठीक है।
अब दूसरा मेंशन जो होगा ऑल्सो क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी टू इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी टू, अगेन द सेम रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, गिव इट टू। नाउ फ्रॉम डी वन एंड टू हमें क्या मिल रहा है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी वन ऑल्सो एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी टू ऑल्सो, दैट मीन्स सी डी वन इज इक्वल टू सी डी टू। इतना क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, सी क्या है, सी इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, ऑफ डी टू डी वन, ठीक है, इतना क्लियर। सिमिलरली जैसे सी मिड पॉइंट है, सिमिलरली बी भी मिड पॉइंट, वीडियो बंद हो गया था, तो जैसे सी मिड पॉइंट है डी टू डी वन का, सिमिलरली हम बताएंगे कि बी मिड पॉइंट है किसका, डी वन एंड डी थ्री का, एंड ए मिड पॉइंट है डी टू एंड डी थ्री का, फाइन। इतना पार्ट क्लियर? सो नाउ हम पहले लेंगे सी इज द मिड पॉइंट, नाउ सी द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, डी टू एंड डी वन का। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा मिड पॉइंट, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ओनली, है ना, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। थ्री इज इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन टू क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर एक्स वन प्लस, इसको अरेंज कर लीजिए, एक्स टू इक्वल टू थ्री, टू इज व्हाट, सिक्स, गिव इट थ्री। वन टू हमने ऑलरेडी पहले दे चुके हैं। सिमिलरली जैसे C को लिया, B को भी लेंगे और A को भी लेंगे, सिमिलरली X2 प्लस X3 किसको इक्वल हो जाएगा, हाँ 10, ठीक है। नाउ और क्या है, एंड X1 प्लस X3 इज इक्वल टू 2, इतना पार्ट क्लियर। अब इसको आप 4 दे दीजिए, इसको आप 5 दे दीजिए, अब आपको तीनों को क्या करना है, ऐड करना, यू हैव टू ऐड, एडिंग 3, 4 एंड 5 क्या मिलेगा आपको, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स वन प्लस एक्स थ्री इक्वल 6 प्लस 10 प्लस 2, दो एक्स वन है, दो एक्स टू है एंड दो एक्स थ्री है, इसको लिखेंगे 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 2 इज व्हाट 18, दिस मच इज क्लियर। नाउ अब हमें 18 मिल गया, तो 2 कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 18, देयरफॉर x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 2, 2 9 18। सो हमें क्या मिल गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या मिल गया आपको, 9 मिल गया, इसे आप 6 दे दीजिए, दिस मच इज क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके, सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन 6 वी गेट, अब 6 का इक्वेशन क्या है हमारा, 6 इक्वेशन, और कौन सा इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूट कर रहे, क्या है, देखो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6, ये आपका थर्ड इक्वेशन है, तो वहां जो x1 प्लस x2 है उसके बदले हम क्या लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, अंडरस्टैंड मैं क्या कर रही हूँ। सो हमारा x1 प्लस x2 है, इसके बदले क्या हो जाएगा, 6 प्लस x3 इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x3 इज इक्वल टू 9 माइनस 6, देयरफॉर x3 इक्वल टू 3। अब आपको x3 मिल गया, अगेन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 4 इन 6 वी गेट, 4 में क्या मिला था हमें, x2 प्लस x3 क्या था, 10 था, x2 प्लस x3 क्या था, 10 था, तो हम लिखेंगे x1 प्लस 10 इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x1 इक्वल 9 माइनस 10, देयरफॉर x1 इक्वल माइनस 1, तो x1 क्या मिल गया, माइनस 1। अब हमें x1 मिल गया है, x3 मिल गया, x2 ढूंढना है, यही करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 5
इन इक्वेशन 6। अगेन हमें क्या मिलेगा, 5 में क्या था, x1 प्लस x3 था और x2 नहीं था, तो 5 में आपको क्या मिल जाएगा, x2 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x2 इक्वल टू 9 माइनस 2, देयरफॉर x2 इक्वल टू 7। अब आपको x1 x2 x3 सब मिल गया है। अब अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, c इज किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ d2 एंड d1, सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, सी द स्टूडेंट सम इज लेंथी बट इट्स वेरी इजी, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, बहुत इजी है। -2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब हमने सब x निकाल लिया, अब हमको y निकालना है, देयरफॉर y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -4, ठीक है, ये आप इसको 7 दे दीजिए। वैसे ही हम बोलेंगे सिमिलरली y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 12, इसको आप 8 दे देना, एंड y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -4, इसको आप 9 दे देंगे। अब अगेन हम सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग 7 8 एंड 9 यू आर गेटिंग y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस 12 माइनस 4, ओके, सो माइनस 4 प्लस 12 क्या हो गया, 8 हो गया, एक माइनस एक प्लस माइनस हो गया, तो आपको प्लस 1 मिल गया, 8 माइनस 4 क्या मिल गया, 4 मिल गया, तो यू आर गेटिंग 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इक्वल टू 4, 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 4, देयरफॉर y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल 4 अपॉन 2, 2 2 4, यू आर गेटिंग नाउ y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, इसको आप 10 दे दीजिए। जैसे हमने पिछले सम में x1 x2 निकाला था, वैसे यहाँ भी हम y1 y2 y3 निकालेंगे, फाइन, तो जब ये कर लेंगे तो आपका पूरा सम कंप्लीट होने लगेगा, ठीक है, इट्स लेंथी बट इट्स वेरी इजी गाइज, सो आई एम मेकिंग पार्टीशन ओवर हियर ओनली। So now, what we are going to do, substituting क्या था 7 in equation 10, हाँ क्या मिलेगा आपको, 7 में क्या है देख लीजिए, y1 plus y2 is equal to -4, और equation 10 क्या है हमारा, y1 plus y2 plus y3 equal to 2, so हमें क्या मिलेगा, -4 plus y3 equal to 2, therefore y3 equal 2 plus 4, therefore y3 equal 6, clear, वैसे ही हम substitute करेंगे 8 in equation 10, अब 8 में क्या है हमारे पास, y1 plus y2 plus y3 क्या है, वो 12 है, तो आपको यहाँ y1 मिलेगा, y1 plus 12 is equal to 2, therefore y1 equal 2 minus 12, therefore y1 equal minus 10, ठीक है, इतना पार्ट क्लियर। लास्ट है सब्स्टिट्यूटिंग 9 इन इक्वेशन 10, वी गेट y2 प्लस माइनस 4 इक्वल टू, therefore y2 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इक्वल टू, therefore y2 इक्वल 2 प्लस 4, therefore y2 इक्वल 6, क्लियर। तो D1 का कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें, हैज अ कोऑर्डिनेट x है -1 और ये y है -10, D2 हैज कोऑर्डिनेट्स 7 एंड 6, D3 हैज कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 6, सो राइट इन द आंसर द पॉसिबल pairs of coordinates of the fourth vertex D of the किसका है parallelogram are -1, -10, 7 and 6 and 3 or 6, क्लियर।
सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ दिस लेसन. होप आपको ये लेसन पूरा समझ में आया हो अच्छे से. हमने आज लेसन कंप्लीट कर लिया है. कल हम देखेंगे अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे और साइंस. प्लीज़ टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज गाइज प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट. टेक केयर, बाय एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी एवरीवन. बाय.